चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब बुलेटिन में मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल अरेबियन सी में बने सिस्टम से मौसम को मजबूती मिली है, जिसके चलते कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग की ओर से ये बताया जा रहा है कि अरेबियन सी में बने एक सिस्टम के चलते मौसम को मजबूती मिली, जिसका असर मध्य प्रदेश पर दिखाई देगा और बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो 24 घंटे में कई जगह बारिश हो सकती है। मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अरेबियन सी में बने सिस्टम से मौसम को मजबूती मिली, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं आकर्ष शर्मा का। आकर्ष, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से संभावनाएं जताई गई हैं बारिश को लेकर? जय मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके अनुरूप कल से बारिश का दौर शुरू होना था, लेकिन कल जो जिस तरीके से मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अरेबियन सी में जो सिस्टम बना था, जिसके कारण ही मजबूती मिली थी मौसम मानसून को, और यही कारण है कि मौसम विभाग ने 3 से 4 दिनों को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। लेकिन जो सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव होना था वो एक दिन देरी से एक्टिव हुआ, मतलब कल की जगह आज से एक्टिव हुआ है। 3-4 दिनों तक इसी तरीके से बारिश का दौर चलेगा। यदि बीते 24 घंटों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हरता में 22 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, इसी तरीके से अलग अलग जिलों में भी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन बड़े शहरों की बात करें, भोपाल, इंदौर, जौनपुर, यहाँ पर कल बारिश दर्ज नहीं की गई थी, हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई थी। मौसम विभाग का ये कहना है कि एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही है, मतलब वो ट्रफ लाइन के इलाके में जो भी जिले आ रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश से, पूरी मध्य प्रदेश से वो गुजर रही है, तो वहाँ के जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश हो सकती है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, साथ में अन्य जिलों को लेकर गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मतलब 52 के 52 जिलों में जया बारिश दर्ज की जाएगी, लेकिन कुछ जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में हल्की फुल्की बौछारों के दौर 3-4 दिनों तक इसी तरीके से चलता रहेगा। जया, बिल्कुल, तो आगे भी इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ये संभावना जताई गई है, चेतावनी भी दी गई है, येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया। शुक्रिया आपका आकर्ष फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, हालांकि मजबूत सिस्टम बनने के बाद कई जगह जरूर बारिश हुई है। कई जिले ऐसे हैं जहां गरज चमक के साथ बारिश की आशंका है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर मिला जुला असर बारिश का देखने को मिल रहा है।